हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे पंजाब नेशनल बैंक के बारे में। यहाँ पे मोर ट्रेडिंग के पहले यहाँ पे बढ़िया खबर आती हुई पंजाब नेशनल बैंक में देखने को मिल रही है, जिसके चलते मुझे लगता है आज मोर ट्रेडिंग में दिवाली के दिन यहाँ पे जब मोर ट्रेडिंग चालू होगा तब यहाँ पे अच्छी खासी तेजी भी इसमें देखने को मिल सकती है दोस्तों। इसके अलावा मैंने दो स्टॉक यहाँ पे आज एज ए मोर ट्रेडिंग के तौर पर आपको लेने के लिए बोले हैं। दोनों का वीडियो यहाँ पे मैंने डाल दिया है मेरी चैनल को विजिट करके। दोनों स्टॉक को मिस मत करिएगा, आपके पैसे कई गुना कर सकते हैं स्टॉक जिस प्राइस पे अवेलेबल है। तो दोस्तों इन दोनों वीडियो को भी जरूर देखें। और यहाँ पे हम बात करेंगे पंजाब नेशनल बैंक की, तो उसकी क्लोजिंग कल की देखें तो क्लोजिंग कल नेगेटिव हुई थी 41.25 पैसे के आसपास, 0.36% की गिरावट के साथ। तो दोस्तों जो खबर है उसी के ऊपर डायरेक्टली आपको लेके जाना चाहूंगा। यहाँ पे एक फाइल सबमिट को करी है पंजाब नेशनल बैंक ने BSE को, वही फाइल मैंने आपके सामने PDF के फॉर्म में ओपन करी है। यहाँ पे रेटिंग एजेंसी इकरा की तरफ से जो यहाँ पे जो काफी जगह पंजाब नेशनल बैंक की रेटिंग को चेंज किया गया है यहाँ पे मुझसे पहले, उसको यहाँ पे बताने की कोशिश करेगी। एक्सचेंज इज हियर बाय इन्फॉर्म दैट इकरा रेटिंग एजेंसी, जो कि एक ग्लोबल रेटिंग एजेंसी है, वाइट इट्स रेटिंग एक्शन डेटेड 3/11/21, मतलब कि कल शाम को यहाँ पे रेटिंग एजेंसी ने रेटिंग सुधारी है और यहाँ पे आज जो है BSE को इसने फाइल सबमिट किया है। तो दोस्तों इकरा ने किया क्या है कि बैंक की जो फिक्स डिपॉजिट की रेटिंग थी उसको सुधारा है, साथ ही साथ इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड था उसकी भी रेटिंग सुधारी है, और साथ ही साथ बेस टाइट Tier 2 और Tier 3 बॉन्ड था उनको भी यहाँ पे उनकी रेटिंग भी सुधारते हुए नजर आया है। तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट है पंजाब नेशनल बैंक की क्वालिटी में, जिसके चलते यहाँ पे इकरा ने ये फैसला लिया है और रेटिंग को सुधारने का फैसला किया है। मुझे लगता है इसको आज ये जो पंजाब नेशनल बैंक है वो बाजार में अच्छा खासा रिस्पॉन्स कर सकती है। यहाँ पे मैं चार्ट पे लेके जाना चाहूंगा आज की सिचुएशन। आज आप अगर मुहूर्त ट्रेडिंग में पंजाब नेशनल बैंक को ट्रेड करना चाहो तो कौन से लेवल को पकड़ करके प्ले कर सकते हो, बताने की कोशिश करूंगा। यहाँ पे देखें तो मुझे लगता है 40.60 रुपये से लेकर 40 रुपये का जोन है वो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। तो दोस्तों यहाँ पे इसे लेकर के आप मार्केट प्राइस में भी पोजीशन बना सकते हो, या तो फिर थोड़ा अगर नीचे आता है तो भी पोजीशन बना सकते हो। ऊपर की तरफ 42.15 रुपये से लेकर 42.50 रुपये का जोन एक रेजिस्टेंस जोन है। इसके ऊपर निकलते ही आपको 45 रुपये का जोन दिखाई देगा और इसके ऊपर 47 रुपये का जोन दिखाई देगा शॉर्ट टर्म के लिए। और इंट्राडे में मैं बताऊँ जैसे कि 40.50 रुपये के आसपास मिल जाता है तो 42 रुपये के टारगेट के लिए, बाउंस बैक के लिए आप यहाँ पे मोर ट्रेडिंग में प्ले कर सकते हो। और यहाँ पे ऊपर खुलता है तो 42.50 रुपये के ऊपर निकलता है तो ही फिर आपको मोर ट्रेडिंग में लॉन्ग पोजिशन बनानी है। तो बढ़िया मौका अवेलेबल है मोर ट्रेडिंग में, अगर यहाँ पे इसमें पोजिशन बनाते हो तो डेफिनेटली मुझे लगता है मुनाफा होने की ज्यादा संभावना है, क्योंकि पॉजिटिविटी रहने की पूरी पूरी संभावना है। 31 का RSI का लेवल है यहाँ पे छोटी टाइम फ्रेम पे, तो RSI का लेवल वीक था क्योंकि यहाँ पे कल ऊपर की लेवल से अच्छी खासी गिरावट इसमें देखने को मिली थी। मैं जाते जाते यहाँ पे कारोबार की सिचुएशन भी आपके सामने प्रेजेंट करने की कोशिश करूंगा। यहाँ पे देखें पंजाब नेशनल बैंक यहाँ पे 41.25 रुपये के आसपास क्लोजिंग हाई, 42.65 रुपये का क्वांटिटी देखें 6,40,44,000 शेयर की, जिसमें से डिलीवरी है 1,56,89,000 शेयर की, और परसेंटेज ऑफ डिलीवरी लगभग लगभग मानकर चलिए 25% के आसपास की है। तो धमाकेदार कारोबार की सिचुएशन है और धमाकेदार डिलीवरी की भी सिचुएशन है, तो इनको आपको वॉचआउट करना है, उसके बाद अपनी स्टडी कंडक्ट करनी है और उसके बाद ही फाइनल डिसीजन लेना है। मुझे लगता है होल्डिंग के तौर पे भी इसको ले सकते हो, और इंट्राडे में जैसे मैंने लेवल टारगेट बताया वहाँ पे आए तो भी यहाँ पे आप मुहूर्त ट्रेडिंग में ट्रेडिंग का मुहूर्त बिल्कुल कर सकते हो। यहाँ पे मेरी प्राइम चैनल में जुड़ना चाहो तो व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पे मुझे बिल्कुल कॉन्टेक्ट करिए, मैं आपको पूरी जानकारी वहाँ पर प्रोवाइड करूँगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगले एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए शुभ दीपावली, यहाँ पे शुभ मुहूर्त ट्रेडिंग।